अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम बना रहे हैं बलोची टिक्का। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है, आए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ली हुई है, हड्डी वाली। आप कोशिश करें कि लेग और थाई पीसेज लें ताकि वो जल्दी ड्राई आउट ना हो। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देना है। इससे ये होगा कि आपके चिकन में अच्छी तरीके से नमक रच जाएगा। फिर एक गहरे पतीले में मैंने 2 कप ऑयल लिया है, उसको हमें हीट करना है। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए उसमें हम अपने सारे चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। मेक श्योर करें कि आपका हर पीस तेल के अंदर डिप हुआ हो। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा है, अगर आप लो फ्लेम रखेंगे तो चिकन पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको पकने देंगे, ऑयल में फ्राई करेंगे अबाउट 15-20 मिनट्स के लिए। बीच बीच में मैं इसकी साइड्स पलटती रहूंगी ताकि यह दोनों साइड से इवनली कुक हो जाए। करीबन 10 मिनट के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी। टोटल 20 मिनट्स के बाद दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक। फिर मैं इसमें ऐड करी हूँ ग्रीन चिलीज, मैंने होल ऐड किए हैं, आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद बेरली 30 सेकंड के लिए इसको अच्छे से मिक्स किया है और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें जिंजर और गार्लिक। कोशिश करें कि आप फ्रेश जिंजर गार्लिक यूज़ करें, रखा हुआ ना यूज़ करें ताकि इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, 1 मिनट तक इसको पकाना है। मिक्स करते रहेंगे ख्याल से। हरी मिर्चों की वजह से हो सकता है छींटे होने, तब अगर बहुत ज़्यादा छींटे होने लगे तो आप लिड कवर कर सकते हैं। अब मैं इसको प्लेट आउट कर लूँगी। ये जो ऑयल पीछे बच रहा है इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज का अरोमा है, आप इसको किसी भी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज़ वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही थी इस टाइम पे। प्लेट आउट करने के बाद जब आपकी चिकन गर्म हो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे गर्म मसाला। क्योंकि चिकन गरम है तो इसमें मसाला अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और चिकन इसको अब्सॉर्ब भी कर लेगा। उसके बाद चाट मसाला, रेड चिली फ्लेक्स और लेमन जूस। धनिया से गार्निश करेंगे और आपका बलोची टिक्का बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। यू हैव टू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्स आउट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।